जांच मिट्टी जांच प्रयोगशाला में की जाती है। सर, किसान भाइयों ने जो अभी प्रतिनिधि नमूना लिया, अब उसको आगे कैसे किस तरीके से संग्रहित करेंगे, कैसे उसको भेजेंगे, किन किन तरह की जानकारी और उनको उसमें डालकर भेजनी होती है, इसके विषय में आप बताएं। जो प्रतिनिधि नमूना चौथाईकरण के बाद किसानों के खेत का आधा किलो मिट्टी बचा है, उसको इस तरह के एक पॉलीथीन में बंद करते हैं और उसके ऊपर एक सूचना पत्रक लगाते हैं। सूचना पत्रक में किसान का नाम, गांव, पता, मोबाइल नंबर के अलावे उन्होंने पिछली फसल क्या लगाई थी, सिंचाई की क्या सुविधा है, अगली फसल क्या लगाना चाहते हैं, किस उर्वरक का प्रयोग किया था, इतनी जानकारी और खेत का पहचान कैसे वो करते हैं, जैसे खसरा नंबर या कोई विशिष्ट पहचान, इतनी सूचनाएं अंकित करके अपने नज़दीकी प्रयोगशाला में शीघ्र से उपलब्ध करा देना चाहिए। इससे जब वो करते हैं प्रयोगशाला में, नज़दीक के मिट्टी जांच प्रयोगशाला में करते हैं, तो यह जांच की सुविधा किसानों को हमारे राज्य में निःशुल्क प्रदान की जाती है। किसान भाई जिस भी प्रयोगशाला में इसको उपलब्ध कराते हैं तो उसकी प्राप्ति रसीद प्राप्त करें और 10 दिनों के अंदर उनको मिट्टी जांच पत्रक, जिसे हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड कहते हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। सर, नमूना लेने के कितने देर के बाद तक वो इसे प्रयोगशाला में भेज सकते हैं? नमूना लेने के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस नमूने को नज़दीक के प्रयोगशाला में भेज दें। किसान भाइयों, इस प्रकार एकत्रित किया गया नमूना आपके द्वारा दिए गए जानकारियों के साथ इस तरह के पॉलीथीन बैग में लेकर प्रयोगशाला में भेजा जाता है और फिर इसकी जांच शुरू होती है। मिट्टी जांच के बाद आपको क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, अभी हम इसकी चर्चा करते हैं। सर, ये जो मिट्टी का नमूना लिया गया और इसकी जो परीक्षण होती है, इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी आप किसान को देते हैं, जो मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड के नाम से अभी हम लोग बोल रहे हैं कि उनको मिलेगा, वो क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आप देखते हैं? किसान भाई, ये जो मिट्टी नमूना आपने प्रतिनिधि मिट्टी नमूना अपने खेत का एकत्रित करके प्रयोगशाला में भेजा है, इसकी तैयारी की जाती है प्रयोगशाला में। इसको चलनी से चाला जाता है, उपयुक्त आकार के चलनी से चाला जाता है और फिर प्रत्येक मिट्टी जांच प्रयोगशाला में 6 पैरामीटर पर इसकी जांच की जाती है। पहला है उसकी अम्लीयता क्षारीयता का पता करते हैं, जिसे हम पीएच कहते हैं। पीएच से, मिट्टी के पीएच से यह पता लगता है कि पोषक तत्व यदि मिट्टी में उपलब्ध हैं तो वो पौधों तक संचरित होंगे या नहीं, अथवा अम्लीयता या क्षारीयता का कोई विकार आपकी भूमि में है, पीएच से ये पता लगता है। दूसरी चीज़ें जो हम पता करते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इससे मिट्टी के लवणीयता का पता लगता है कि उसमें लवण कितने हैं। लवण अधिक अगर मिट्टी में होगा तो वह पोषक तत्वों के पौधों को उपलब्ध होने में परेशानी करेगा, इसलिए उसकी जांच हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से करते हैं। तीसरी जो जांच करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कार्बन की जांच। इस ऑर्गेनिक कार्बन से यह पता चलता है कि मिट्टी में जीवाणु कितने सक्रिय हैं, क्योंकि हम जो खाद प्रयोग करते हैं खेतों में वह उसी रूप में पौधे को उपलब्ध नहीं होता है। उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मिट्टी में, वह उसके रूप परिवर्तित करते हैं, तब वह पौधों को पोषण दे पाता है।
इसके लिए वहाँ पर ऑर्गेनिक कार्बन का होना जरूरी है, इसलिए ऑर्गेनिक कार्बन की जांच करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्रयोगशाला में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जो प्रति हेक्टेयर उपलब्ध मात्रा है उसे जांच के आधार पर निर्धारित करते हैं। मिट्टी में जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उपलब्ध है इसकी आप जानकारी उसमें देते हैं जी, तो इससे उनको ये सुविधा होगी कि अगली फसल में जो इन तत्वों को देना है वो उसका एक संतुलन बना पाएंगे। हाँ राकेश जी, उसमें जब वो अपनी फसल बताते हैं कि हमारा लक्षित फसल यह है, गेहूं हम उगाना चाहते हैं धान के बाद, और यह किसान भाई सूचना पत्रक में देते हैं कि धान में उन्होंने किस फर्टिलाइजर की कितनी मात्रा का उपयोग किया और गेहूं कितना क्विंटल उगाना चाहते हैं प्रति हेक्टेयर, तो वैसी स्थिति में जो उपलब्ध मात्रा है जो जांच से, मिट्टी जांच से निर्धारित हुई है, उसके अतिरिक्त कितने पोषक तत्व देने से उनको लक्षित उपज उस फसल का प्राप्त हो सकेगा, यह मृदा स्वास्थ्य कार्ड में अंकित किया जाए। सर, आमतौर पे किसान मुख्य पोषक तत्वों की बात को ही समझते हैं या गंभीरता से लेते हैं, इसके अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है उसमें किन किन प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी आप इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में देते हैं? हमारे राज्य में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी परिलक्षित हो रही है और बगैर सूक्ष्म पोषक तत्व के सिर्फ मुख्य पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देकर अच्छी उपज की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी जांच होनी आवश्यक है, क्योंकि अब भूमि द्वारा मल्टी न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी परिलक्षित हो रही है। इसके लिए हमारे राज्य में पटना में सूक्ष्म पोषक तत्व जांच की सुविधा सृजित की गई है। यह जिला के मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं में उपलब्ध नहीं है। इन सुविधाओं का कोई भी किसान निःशुल्क उपयोग कर सकता है यदि वह अपनी मिट्टी को केंद्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में उपलब्ध कराता है, तो 10 दिनों के अंदर हम सभी रूटीन जांच और सूक्ष्म पोषक तत्व जांच के साथ उन्हें मृदा स्वास्थ्य कार्ड निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। किसान भाइयों, अभी आपको संजय कुमार जी ने जो बताया उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए है कि आप जो नमूना लेते हैं और उसकी जो जांच होती है उसमें आपके जिले में जो उपलब्ध संसाधन है उसमें आप सिर्फ प्रमुख पोषक तत्वों के विषय में ही जान सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हमारे उत्पादकता पे काफ़ी प्रभाव डाल रहा है, और उसकी जानकारी के लिए यह सुविधा आपको केंद्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला पटना में ही उपलब्ध है। इसलिए आपको सूक्ष्म पोषक तत्व की जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो उस जांच के लिए उस नमूने को आपको केंद्रीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में लाना होगा।